auto captions, keyframe tool settings and layer properties, apply effects directly to media players, new equalizer setting, background music mode for clearer voiceovers, apply text styles to selected text layers, batch edit caption layers, wider pitch control range. ये सभी 7 न्यू फीचर्स काइनमास्टर वीडियो एडिटर एंड मेकर ऐप में प्रोवाइड कराए गए हैं। इन सभी फीचर्स को आप अपडेट के बाद अवेल कर सकते हैं। काइनमास्टर में एडिटिंग इन फीचर्स के बाद और भी पावरफुल हो गई है और आपकी एडिटिंग स्किल को और भी धारदार और मजबूत टूल्स मिल गए हैं। आइए जानते हैं इन फीचर्स को कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है ऑटो कैप्शंस का। इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्पोकन ऑडियो को टेक्स्ट में। इसके लिए आपको किसी भी और वेबसाइट में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। इस फीचर से आप हिंदी और इंग्लिश सहित कई और भाषाओं में ऑटो कैप्शंस जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी इसे कैसे यूज़ करना है। एग्जांपल के लिए मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूं। अब इस ऑडियो लेयर को सेलेक्ट करेंगे तो टूल पैनल में ऑप्शन आ जाएगा, टूल पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ ऑटो कैप्शंस का ऑप्शन मिलेगा। इसे क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। मैंने अभी हिंदी को लैंग्वेज के रूप में यहाँ डाउनलोड किया है तो हिंदी का ही ऑप्शन आ रहा है। यहाँ नीचे जनरेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में कैप्शंस जनरेट करना होगा तो आप डिज़ायर्ड लैंग्वेज को चूज़ कर लेना। लैंग्वेजेस को कैसे डाउनलोड करना है आगे वीडियो में बताऊँगा। अब आप देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में कैप्शंस जनरेट हो चुका है, काफ़ी एक्यूरेट लग रहा है। बस एक अक्षर दूसरा आ गया है, इसको क्लिक करके एडिट कर लेंगे लाइक दिस। और इतना ही नहीं, बाकी और भी सेटिंग जैसे कि फॉन्ट स्टाइल्स, ग्लो, बैकग्राउंड, पोजीशन एट्सेट्रा अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यह अलग अलग टेक्स्ट लेयर्स बना है। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पर स्प्लिट करके वर्ड्स कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऑटो कैप्शन एक बड़ा चैलेंज भी होता है, इसलिए मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किए। इससे मुझे पता चला कि एक्यूरेट कैप्शंस तभी जनरेट होंगे जब क्लियर वॉइस देंगे और इस ऐप से ही देंगे। बाकी पहले से ऑडियो अवेलेबल है और क्लियर नहीं है, कुछ साउंड इफेक्ट्स है उसके अंदर, तो कुछ इस तरह से कैप्शन जनरेट हो रहे हैं। सो अवेयर ऑफ इट, हाउ टू यूज़ ऑटो कैप्शंस। अभी ये तो हो गया कि आपने कैसे जनरेट करना है, लेकिन इसको जनरेट करने के लिए आपको ऐप में क्या करना है। इस फीचर्स को अवेल करने के लिए पहले लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो इस तरह से ऐड कैप्शंस ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। हिंदी में क्लिक करूँगा और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली ओके कर देंगे और आपका ऑटो कैप्शन जनरेट का ऑप्शन आपके ऐप में आ जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है की फ्रेम टूल सेटिंग एंड लेयर प्रॉपर्टीज़ का। तो पहले जानते हैं की फ्रेम टूल सेटिंग में क्या चेंजेस आए हैं। इस तरह से एक लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ लेफ़्ट साइड में यहाँ की फ्रेमिंग का ऑप्शन आ गया है। साथ ही साथ यहाँ सबसे नीचे में देखेंगे आप तो ये दो पॉइंट नया एड हुआ दिखाई दे रहा है, एक गोल एरो के साथ में, एक नीचे में है और एक जस्ट उसके ऊपर में है। ये दोनों का काम है, जैसे अगर यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ किसी भी प्रकार से, एक दो तीन, जिस तरह से तीन चार पॉइंट में इस तरह से की फ्रेमिंग कर लेता हूँ, इस की फ्रेमिंग में अगर मुझे आगे या पीछे शिफ्ट करना है, लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा। पहले इसमें ये ऑप्शन नहीं था तो अभी क्या कर सकते हैं, इसमें आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से क्लिक करके राइट मूव कर सकते हैं और लेफ्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दो तीन जैसे भी आपका की फ्रेमिंग लगा हुआ है तो इन की फ्रेमिंग को आप यहां देख सकते हैं। इस तरह से राइट मूव कर रखें, यहां क्लिक करता जाऊंगा राइट मूव होता जा रहा है ना, नेक्स्ट में शिफ्ट होता जा रहा है, लेफ्ट में करूंगा तो लेफ्ट में शिफ्ट होता जाएगा। तो इस तरह से ये की फ्रेम का ये ऑप्शन इस तरह से काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके लिए यहाँ नीचे दो सेटिंग्स प्रोवाइड कराई गई है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लेयर प्रॉपर्टीज़ में कुछ और भी ऑप्शंस ऐड हो गए हैं, जैसे कि ऑटो कैप्शन एंड इफेक्ट्स का। और हाँ, इफेक्ट्स के इस फीचर से याद आ गया कि नेक्स्ट अपडेट इसी पर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट एंड थर्ड अपडेट, जो है अप्लाई इफेक्ट्स डायरेक्टली टू मीडिया लेयर्स। इसमें जो चेंजेस आए हैं उनको बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट पीएनजी ले लेता हूँ। इसमें
इफेक्ट लगाने के लिए पहले लेयर में जाकर इफेक्ट सेलेक्ट करके इस तरह से सेटिंग्स करना होता था, और इसका एक अलग लेयर भी बनता था लाइक दिस, आप नीचे की ओर देख सकते हैं। बट नाउ दिस हैज़ बीन चेंज्ड एंड सिंपली जिस क्लिप में इफेक्ट ऐड करना हो उसे सेलेक्ट करेंगे तो टूल पैनल में इफेक्ट का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इफेक्ट्स जो आपने डाउनलोड किया हुआ है उसकी लिस्ट सामने आ जाएगी, और ऐड करने के लिए किसी इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी सेटिंग भी यहाँ राइट साइड में अपीयर हो जाएगी। इससे आप इजीली ऑल सेटिंग को जैसे कि साइज़, फीदर, होल, एंगल, पोजीशन एंड कलर को सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट एंड फोर्थ फीचर है न्यू इक्वलाइजर सेटिंग का। न्यू इक्वलाइजर सेटिंग बैकग्राउंड म्यूजिक मोड फॉर क्लियरर वॉइस ओवर्स। इसको समझाने के लिए मैं एक ऑडियो प्रोजेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। ऑडियो प्रोजेक्ट लेने के बाद में इस तरह से इसको सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद में यहाँ से ऑडियो पर जाऊँगा, ऑडियो में क्लिक करूँगा तो इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि पहले इस तरह से नीचे आइए, देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये BGM मोड लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक कर देंगे। पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, ये अभी इनेबल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, अभी आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। इससे आपको वॉइस ओवर करने में और क्लियर वॉइस ओवर करने में ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। ये तो हो गया BGM मोड वाले। और इसी प्रकार से अगर आप नॉर्मल को लेते हैं, देखिए इस तरह से मैं ऐड कर रहा हूँ, ये आपकी BGM मोड वाली होगी, इसमें वॉइस थोड़ी सी बहुत अच्छी और हल्की आ रही है। तो एक कंपैरिजन के लिए एक दूसरा ऑडियो ले लेता हूँ। ऑडियो लेने के बाद में देखिए साउंड्स को म्यूट करके और दोनों को एक करके आपको सुना रहा हूँ, इस तरह से कुछ आएगा। पिछले कुछ महीनों में आपने डिकोडिंग YT, ट्यूब सेंसेई, एक्सप्लेन YT और YT मेथड जैसे YouTube चैनल को मात्र 5 से 7 वीडियो डालकर अपने चैनल को ग्रो करके मोनेटाइज कराते हैं। दोनों में देखेंगे कि हाई पिच में जो आपका बिना BGM मोड वाली है वो हाई पिच में जा रही है, और जो BGM मोड वाली है वो थोड़ी सी लो पिच में आ रही है। तो इस तरह से ये नया वॉइस ओवर के लिए, क्लियर वॉइस ओवर के लिए आपको ये फैसिलिटी अवेल कराई गई है। तो ये चौथी अपडेट, आपको चौथी फीचर्स जो फोर्थ फीचर्स है वो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ एंड नेक्स्ट न्यू फीचर्स है अप्लाई टेक्स्ट स्टाइल्स टू सिलेक्टेड टेक्स्ट लेयर्स मल्टी सिलेक्टेड। ये बिल्कुल न्यू फीचर्स है और इससे आपका बहुत एडिटिंग का काफ़ी समय बचेगा। इसके लिए एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट में मल्टी टेक्स्ट लेयर्स लगे हुए हैं, तो एग्जांपल्स के लिए बढ़िया रहेगा। तो एक टेक्स्ट लेयर्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करूँगा तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है मल्टी सिलेक्ट का, ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसको क्लिक करूँगा तो इस तरह से लिस्ट आ जाएगी सारे टेक्स्ट लेयर की, है ना। तो जिस टेक्स्ट लेयर में इसको अप्लाई करना है या जो भी मैं चेंजेस करना चाहूँगा वो चेंजेस करके, चाहे कलर्स में हो, चाहे उसके स्टाइल में हो, या ग्लो करना हो, तो उसको जो भी चेंजेस करना हो उसको यहाँ से आ करके अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो डेमो था, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको कि जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया है मैंने, सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ इस तरह से जाऊँगा और टेक्स्ट का कलर यहाँ ले लेता हूँ। कलर को इसको मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट के कलर को यहाँ से मैं ग्रीन कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ग्लो करने के लिए इसका ग्लो भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, है ना। ग्लो का भी कलर इस तरह से मैं बना लेता हूँ। जो भी चेंज करने के बाद में इस तरह से मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन में आऊँगा, उसको क्लिक करूँगा तो इस तरह से उसको अप्लाई करने के लिए ऑल में क्लिक कर लूँगा तो सभी में ये इस तरह से देख सकते हैं सभी टेक्स्ट लेयर्स में कलर्स चेंज हो गए हैं। जैसे मैंने हरा कलर करना चाहा तो हरा हो गया। अभी इसको हम चेंज करके दूसरा भी कोई कलर करना चाहेंगे तो ये दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें आपको बहुत सारा समय बचता है कि एक टेक्स्ट लेयर में जाकर के अगर आप कोई भी सेटिंग चेंज करते हैं, कलर हो या उसका साइज हो या और किसी प्रकार का उसमें चेंजेस करते हैं, तो सारी चेंजेस वो सभी में अप्लाई आप कर सकते हैं या जिसमें करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं। तो उसकी पूरी लिस्ट आ जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे हरा किया था हमने, नीला करना चाहें कलर्स को तो नीला करेंगे, फिर जाके मल्टी सेलेक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे इस तरह से और क्लिक करेंगे और अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब में हो जाएगा, या ऑल में नहीं करना है या जिसमें हम करना चाहते हैं उसमें करेंगे तो उन सभी में हो जाएगा। तो इस तरह से एक काफ़ी सुविधाजनक ये ऑप्शन इस बार आपको मिला हुआ है। आपने देखा होगा ऑटो कैप्शन फीचर को यूज़ करने पर टेक्स्ट की एक नई लेयर ऐड हो जाती है,
और सेंटेंस एंड वर्ड्स के अनुसार या कई पार्ट्स में कई सेगमेंट में रहती है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना हो लाइक दिस, तो आप इसमें इस ऑप्शन को यहाँ आप देख रहे हैं बैच एडिट के नाम से सीसी जैसा इसका फॉर्मेट बना हुआ है, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा और उसमें आपको एडिट करने के लिए सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, एडिट और डिलीट दोनों का ऑप्शन होगा और 1, 2, 3, 4 करके इस तरह से सारे सेगमेंट आपके सारे लेयर्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको किसी तरह से इसमें चेंजेस करना हो इस प्रकार से, तो आप ऊपर नीचे करके यहाँ पे आकर एडिट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ लेफ्ट में स्प्लिट कैप्शन का भी ऑप्शन दिया है, तो यहाँ बीच में क्लिक करेंगे तभी ये इनेबल होगा। और इस तरह से इसमें चाहिए तो आप इसको इस लेयर को दो हिस्सों में भी कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर, यह नया नहीं है, इससे अपडेशन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ वाइडर पिच कंट्रोल रेंज बताया गया है। वाइडर पिच कंट्रोल रेंज का मतलब है आपको एडिट करने के लिए जो एरिया दिया गया है वो इन्हेंस हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आपको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा जगह मिल रहा है, उसको इस तरह से उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। तो सोच क्या रहे हो, ये सब नए फीचर्स एंड अपडेट के लिए अभी जाओ प्ले स्टोर में और अपडेट पर क्लिक करो और काइनमास्टर को अपडेट कर लो। और यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो समझ ही गए होंगे तो कर ही लेना। और हाँ, काइनमास्टर का लोगो रिमूव करना नहीं आता तो मेरे इस वीडियो में जाकर जरूर देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।